कक्षा 10 के सामाजिक के इस भाग वीडियो के इस भाग में अपने आपके चैप्टर 5 का जो तीसरा पार्ट है उसको पढ़ने जा रहे हैं। लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, उसके अर्थ क्या हैं, उसके अलावा उसके प्रकार किस प्रकार के हैं, राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, नैतिक लोकतंत्र है, तो कई प्रकार का जो लोकतंत्र है उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट अपने क्या है, लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोणों को अपने पढ़ेंगे। जैसे मैंने कल एक सिद्धांत की बात की थी, उदारवादी लोगों के द्वारा किस प्रकार से लोकतंत्र को क्या है अलग अलग भागों में बांटा गया है, उनका सिद्धांत क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, तो उसी के आधार पर 4-5 प्रकार के जो आपके सिद्धांत हैं, दृष्टिकोण हैं, उसके बारे में अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं अपने, पहला कि लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण क्या है। देखिए जब लोकतंत्र की अवधारणा सामने आई लोगों के, तो क्या है, हर कोई यह जानना चाहता था कि लोकतंत्र में क्या है, किसका शासन होगा, कौन शासन के योग्य है और किस प्रकार का शासन होना चाहिए। अगर जनता शासन करती है तो जनता का शासन में कितना हस्तक्षेप होगा, कितनी हिस्सेदारी होगी, क्या भागीदारी रहेगी जनता की उसके अंतर्गत। तो इन सभी सवालों का बारे में जानने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग सिद्धांत आए, अलग अलग क्या है दृष्टिकोण पेश किए गए, अलग अलग समय के जो दार्शनिक है, विचारक हैं, उन्होंने इन सभी के बारे में क्या है बहुत ही विस्तार रूप से क्या है बताया गया है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्या है थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे। तो देखते हैं, पहला है उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इस सिद्धांत को परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राचीन सिद्धांत यही है। इसके अलावा यह पश्चिमी सिद्धांत या दृष्टिकोण कहलाता है, दृष्टिकोण कहलाता है, परंपरागत सिद्धांत या पश्चिमी दृष्टिकोण या सिद्धांत कहलाता है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले जो शुरुआत हुई थी वो इस सिद्धांत की पश्चिमी के देशों में हुई थी, और सबसे पुराना सिद्धांत जो है लोकतंत्र के बारे में वह यही है उदारवादी सिद्धांत, इसलिए इसको परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं। अभी इसके बारे में जानते हैं कि उदारवादी सिद्धांत है क्या। उदारवादी जो सिद्धांत है इसे लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया। इसके उत्पत्ति क्या है, लगभग पिछली 3 शताब्दियों में हुई है, पिछली 3 शताब्दियों में इसकी उत्पत्ति हुई है और लगातार क्रमिक विकास हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था 1789 के अंदर 1789 के फ्रांस की क्रांति के द्वारा क्या है लोकतंत्र की एक विचारधारा का शुरुआत होता है, जो उदारवादी विचारधारा थी, उदारवादी विचारधारा या कह सकते हैं उदारवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण था। तब से लेकर ये 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या है इसका लगातार विकास होता रहा है। अब क्या है ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सिद्धांत है उदारवादी सिद्धांत जो है, क्योंकि आमतौर पर प्रत्येक देश में क्या है यही सिद्धांत आपको देखने को मिलता है, चाहे ब्रिटेन है, चाहे आज फ्रांस है, चाहे भारत है, चाहे अमेरिका है, तो इस प्रकार के सिद्धांत का पालन करते हैं वो। इसमें सबसे जो प्रमुख विचारक रहे हैं वो होब्स लॉक, रूसो, बेंथम, फ्रांस के थे, अब्राहम लिंकन इसके क्या है प्रमुख विचारक रहे हैं, जिन्होंने क्या है इसकी शुरुआत की है, या कह सकते हो इस प्रकार की विचारधारा की नींव रखी है, जिनमें बेंथम भी है, जे एस मील, टी एच ग्रीन, मोंटेस्क्यू वगैरह वगैरह जो है, मोंटेस्क्यू ब्रेथम इत्यादि जो है उन्होंने क्या है सबसे पहले इसकी विचारधारा के बारे में बताया लोगों को। हर्बर्ट स्पेंसर भी क्या है इसमें एक प्रमुख नाम है। उदारवादी सिद्धांत के जो प्रमुख क्या है ये विचारक माने जाते हैं, इन विद्वानों ने क्या है व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे। यानी इस उदारवादी विचारधारा का आधार क्या है कि व्यक्ति का सुख, उसकी स्वतंत्रता और उसके पास अधिकार होने चाहिए, यह क्या है उसका आधार है उदारवादी सिद्धांत का।
तो देखिए इसके अंदर क्या है, अपेक्षाएं क्या की जाती हैं, आधारभूत मान्यताएं क्या हैं लोकतंत्र के सिद्धांत की, जिसके अंतर्गत क्या है, व्यक्ति पहली मान्यता के अनुसार क्या है, व्यक्ति जो है वो अपने हित और अहित के बारे में सोच सकता है, इसीलिए उसके ऊपर शासन करने का अधिकार, शासन का अधिकार किसका होगा, व्यक्ति का ही होगा। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा शासित हो, या उस शासन में क्या है, समाज के उस शासन में उसकी भागीदारी जो है, उसकी हिस्सेदारी जो है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यह क्या है, पहली मान्यता है, जिसके अंतर्गत क्या है, व्यक्ति अपने हित और अहित, हित और अहित के बारे में सोच सकता है, व्यक्ति क्या है, सभी के सभी क्या है, व्यक्ति समान है, इसलिए सभी की भागीदारी, यह क्या है, दूसरी मान्यता आती है कि सभी के सभी व्यक्ति क्या है, समान है, इसलिए सभी की भागीदारी क्या होगी, बराबर होगी, कोई क्या है, निम्न नहीं समझा जाएगा किसी भी आधार पर। इसके अलावा शासन का जो गठन होगा वो लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। पहली बात, उदारवादी संविधानवाद के अनुसार शासन की शुरुआत होनी चाहिए या शासन का संचालन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, सीमित समय का संचालन होना चाहिए, सीमित समय का शासन संचालन होना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि समय समय पर चुनाव करके क्या है, जनता अपनी ताकत क्या है, शासनकर्ताओं को या जो शासक वर्ग है उसको प्रदर्शित कर सकती है। इसके अलावा क्या होगा कि शासन के संचालन में क्या है, प्रत्येक भाग में चाहे क्या है, उस पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा, यानी शासन का संचालन जो है वो जनता के द्वारा किया जाएगा, भले ही उसमें क्या है, प्रतिनिधि क्या है, प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि तो करेंगे प्रत्यक्ष रूप से शासन, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता क्या करेगी, शासन शासक होगी, अप्रत्यक्ष रूप से जनता शासक होगी। तो उसमें उसकी संचालन में कितनी हिस्सेदारी होगी, शासन के गठन में क्या है, ये तो क्या है, शासन का प्रारूप हो गया, शासन के संचालन में बहुमत प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। कहने का अर्थ साधारण है कि जिस सरकार को मिलता है या जिस पार्टी को मिलता है वही क्या है, शासन का संचालन करती है। तो बहुमत के आधार या बहुमत प्रणाली का उपयोग करना चाहिए इस प्रकार के शासन प्रणाली के अंतर्गत। इसके अलावा व्यक्ति को क्या है, शासन, जो व्यक्ति शासन करने वाला है उसके जो उद्देश्य होना चाहिए वो जनता का हित होना चाहिए, जनता के हित के बारे में उसको कार्यरत रहना चाहिए। इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रताएं एवं अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इनकी रक्षा के लिए क्या है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। एक तो क्या है, सभी को स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका को गठन किया जाना चाहिए, ताकि उसकी स्वतंत्रता और अधिकार का अगर कोई क्षण करता है, उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, तो वह न्यायपालिका की सहायता करके लेकर अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता की मांगें पूरी कर सकता है। इसके अलावा निश्चित अवधि के बाद, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, सीमित समय का शासन होना चाहिए, तो निश्चित अवधि के बाद क्या है, चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी शासक के चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए एक निश्चित समय बाद। इसके अलावा क्या है, सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए, और एक से अधिक क्या होने चाहिए, दल, राजनीतिक
दल संख्या में एक से अधिक होने चाहिए और जो भी दल है उसको जनमत यानी जनता के फैसले जनमत का आदर करना चाहिए और उसकी भलाई जनता की भलाई हेतु या हित हेतु कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है, ये सारी आधारभूत मान्यताएं हैं किसके लिए, उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण के लिए, सिद्धांत या दृष्टिकोण उसके लिए क्या है, ठीक है, मान्यताएं चली आ रही हैं। क्योंकि यह परंपरागत सिद्धांत है, इसके बारे में बहुत से विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और उनकी मान्यताओं के अनुसार क्या है, ये सभी गुण क्या है उदारवादी सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र में होने चाहिए। ये सारे गुण या ये सारी मान्यताओं के जो गुण हैं वो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र में होने चाहिए, तभी क्या है जनता के लिए लोकतंत्र उपयोगी शासन प्रक्रिया होगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना है बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, उसके अंतर्गत क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या है समाज में या राज्य में कई संघ होने चाहिए जो क्या है सारी जनता के हित हेतु कार्य करे, उनके पूरी जो हिस्सेदारी हो सभी समूहों के या सभी वर्ग जो हैं संघ हैं उन सब समूहों की हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि शासन की जो भाग है या प्रक्रिया है वो मात्र एक किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए या एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर ही नहीं छोड़ देना चाहिए, उसके कई संघ बनाने चाहिए जो संघ क्या करेंगे उसके या उस राज्य के प्रति जो कार्य हैं वो करेंगे और सभी समूहों की या संघों की जिम्मेदारी और हिस्सेदारी क्या होगी बराबर रहेगी, ताकि सभी संघ जो मिलकर उस राज्य के विकास के लिए विकास एवं समृद्धि के लिए क्या है कार्य करेंगे। इस विचारधारा का उद्देश्य इस प्रकार से माना गया है। इस दृष्टिकोण का मूल आधार क्या है, बहुलवादी विचारधारा है जो क्या है समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है, यानी इसके आधार पर क्या होना चाहिए संघात्मक समाज होना चाहिए जो क्या है अलग अलग संघ के अंदर बंटकर अपने सभी हिस्सों की क्या है विकास करने में मदद करे। इस सिद्धांत का विकास में क्या है एच जे लोस्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फोलेट और जी एच कोल डिग्वी ने किया है। द्वितीय क्या है इसके लिए भी कई विचारक हुए हैं, लेकिन इस सिद्धांत के विचारक जो थे उनको सबसे ज्यादा क्या है प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध इन दोनों के मध्य में क्या है इस प्रकार की विचारधारा का क्या है उद्भव बहुत प्रकाष्ट रूप में हुआ, इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस प्रकार की विचारधारा का उदय होता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या है इतनी ज्यादा मात्रा में इस सिद्धांत का प्रचलन नहीं था, जबकि क्या है द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या है यह सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया। और इसको प्रचलन में लाने वाले जो व्यक्ति थे वो रॉबर्ट डहल थे, जिन्होंने क्या है इसके विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। रॉबर्ट डहल जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया या इसके क्या है बहुत से भाग इस प्रकार से दिखाए जिससे क्या है जनता की भलाई अच्छे से हो सके। इसको क्या है बहुलतंत्रवाद भी कहा जाता है।
इसको क्या कहा जाता है, बहुल तंत्रवाद, बहुल तंत्रवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्या है, सिर्फ एक किसी संघ का अधिकार या राज्य न होकर बहुत सारे बहुल, बहुत सारे क्या है तंत्र मिलकर क्या है सिस्टम जो है मिलकर देश की या राज्य की उन्नति में कार्य करें। नेक्स्ट अपने चलते हैं लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत पर। देखिए यह सिद्धांत जो है वो उदारवादी विचारधारा के सिद्धांत के आधार पर है लगभग, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंस बताया जाता है। तो पहले इस सिद्धांत के बारे में जानते हैं। इस सिद्धांत के बारे में दो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, एक तो रॉबर्ट मिचलेस और दूसरे क्या है मॉस्को। एक तो मिचलेस और एक है मॉस्को। इन दोनों ने क्या है इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जिसके अंतर्गत क्या है जो रॉबर्ट मिचलेस है वो जर्मन विचारक हैं और इन्होंने दी पॉलिटिकल पार्टीज नाम की अपनी जो बुक थी उसके द्वारा इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा की है या बताया है। इसके अलावा जो मॉस्को है उनकी किताब थी द रूलिंग क्लास, उसमें भी क्या है अपनी बुक में क्या है इस सिद्धांत के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। इस सिद्धांत का क्या है केंद्र जो है वो अभिजन वर्ग है। इस सिद्धांत का केंद्र जो है वो अभिजन वर्ग है, अभिजन या विशिष्ट वर्ग है, विशिष्ट वर्ग। अब देखिए सबसे पहले क्या है अभिजन या विशिष्ट का अर्थ समझते हैं। विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल। विशिष्ट का अर्थ क्या होता है, जो स्पेशल हो, किसी विशेष योग्यता के साथ हो, विशेष योग्यता हो, वह क्या होता है अभिजन होता है या विशिष्ट होता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत का यह मानना है या इस विचारधारा का यह ऐसा मानना है कि जनता के प्रत्येक व्यक्ति एक सेकंड, तो इसमें देखिए अभिजन का अर्थ क्या होगा कि जनता में प्रत्येक व्यक्ति इतना योग्य नहीं होता जो स्वयं या समाज के शासन में बराबर भागीदारी निभा सके। साधारण शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति इतना योग्य नहीं होता जो राज्य के या समाज के या अपने क्या है शासन को संभाल सके, उस शासन का क्या है संचालन कर सके। इसीलिए किसी एक ऐसे वर्ग को शासन के संचालन हेतु चुनना चाहिए। लोकतंत्र है तो इसका अर्थ यही होगा कि चुना जाएगा शासक, वंशवाद नहीं होगा लोकतंत्र में, ठीक है। एक ऐसे वर्ग को शासन के संचालन हेतु चुनना चाहिए जो शासन की या शासन करने की
योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, उस ये जो वर्ग होगा जिसके अंदर शासन करने की या शासन के संचालन की योग्यता होगी, वही वर्ग क्या होगा, अभिजन वर्ग कहलाएगा या विशिष्ट वर्ग कहलाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि समाज के हिस्से में बहुत ही अलग अलग प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं, उन सभी में उस प्रकार की योग्यता नहीं होती कि वे शासन का संचालन कर सके। इसीलिए क्या है, हमें एक ऐसे वर्ग का चुनाव करना होता है जो क्या है, उस समाज के लिए, उस राज्य के हित के लिए क्या है, चुना जाए और वह उस उद्देश्यों की पूर्ति करे, और साथ ही साथ उसमें क्या हो, यह योग्यता भी हो जो क्या है, शासन को संचालित कर सके, उसको संभाल सके। इसीलिए क्या है, अभिजन या विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ या इसकी शुरुआत की गई। इसके बारे में मैंने जैसे कि बताया, मिचलेस और मॉस्कॉ ने बताया है, तो यह इसका आधार है कि प्रत्येक व्यक्ति का योग्य न हो पाना, जिसके कारण क्या है, यह सब कुछ चलता रहा है। इसके अलावा जो बाकी के दो सिद्धांत रह जाते हैं अपने, मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण एवं समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, इसके बारे में अपने क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए क्या है, इन तीन सिद्धांतों के बारे में आप विशिष्ट अध्ययन कीजिए वीडियो के माध्यम से और अपनी बुक के माध्यम से। तब तक के लिए क्या है, धन्यवाद। जिसमें क्या है, मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। सबसे पहले बात करते हैं अपने मार्क्सवादी सिद्धांत की, जिसको आर्थिक लोकतंत्र भी कहते हैं, आर्थिक लोकतंत्र भी कहा जाता है। आर्थिक लोकतंत्र, हमने जब लोकतंत्र के भाग पढ़े थे, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, तो उसमें क्या है, हमने पढ़ा था आर्थिक लोकतंत्र, जिसकी परिकल्पना किसने बताई थी, मार्क्सवादी लोगों ने उसकी विचारधारा के बारे में विचार किए थे, या विचारक मार्क्सवादी लोग थे। हालांकि क्या है, इसको अपने क्या है आर्थिक लोकतंत्र मानते हैं, लेकिन मार्क्सवादी जो लोग हैं वो इसको पीपल डेमोक्रेसी क्रेसी ही मानते हैं, यानी पीपल्स डेमोक्रेसी, यानी जनता की का लोकतंत्र। वैसे तो लोकतंत्र का अर्थ ही ये होता है कि वो जनता का तंत्र है या जनता का सिस्टम है, लेकिन फिर भी क्या है, जो मार्क्सवादी है वो इसको जनवादी लोकतंत्र के नाम से जानते हैं या बताते हैं, जिसके अंदर क्या है विचारधारा, जिसकी विचारधारा धारा कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। कार्ल मार्क्स के विचारों के ऊपर आधारित है, जिसके अनुसार क्या है, समाज में प्रत्येक वर्ग का जो आर्थिक स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेडरिक एंजल्स नाम के व्यक्ति भी हैं, फ्रेडरिक एंजल्स, एंजलेस, फ्रेडरिक एंजलेस नाम के व्यक्ति हैं, उनकी विचारधारा के आधार पर भी क्या है मार्क्सवादी लोग इसकी व्याख्या करते हैं, जनवादी लोकतंत्र की, या आप कह सकते हो मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। इन दो विचारकों के आधार पर बताया गया है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था आर्थिक लोकतंत्र के बारे में, कि सभी की आर्थिक समानता समाज में वास्तविक समानता का आधार है, समानता का आधार है। यानी मार्क्सवादी या जनवादी लोकतंत्र के अनुसार क्या है, इस ऐसा माना जाता है कि समाज में जब आर्थिक समानता होगी, तभी उसके आधार पर ही क्या है सभी प्रकार से क्या है समानता आएगी। एक प्रकार से उनका विचार क्या है यही दर्शाता है, और यही क्या है मार्क्सवादी विचारधारा का दृष्टिकोण है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है अपना लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण या सिद्धांत, लोकतंत्र का
समाजवादी दृष्टिकोण या सिद्धांत जो है उसके बारे में अभी पढ़ते हैं। समाजवादी दृष्टिकोण या सिद्धांत जो है वो उदारवादी सिद्धांत और समाजवादी जो सिद्धांत है वो उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत जो है उन दोनों का क्या है, एक मिला हुआ रूप है। यानी समाजवादी दृष्टिकोण क्या है, उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत का मिला जुला रूप है। यानी दोनों को जोड़कर उनके गुणों का समावेश करने के बाद क्या है, जो सिद्धांत अपने सामने देखते हैं वो समाजवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण है। जिसके अनुसार क्या बताया जाता है कि समाज में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति, मतलब इसको क्या है इस प्रकार से समझते हैं कि उदारवाद के अनुसार तो क्या है, राजनीतिक समानता, और मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार आर्थिक समानता। इन दोनों गुणों का समावेश करने पर क्या है, समाजवादी लोकतंत्र की विचारधारा अपने सामने आती है। क्योंकि राजनीतिक रूप से यानी रंग, वर्ण, जाति, नाम, इन आधार पर क्या है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और आर्थिक स्थिति के अनुसार भी क्या है भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो क्या है, एक क्या है आदर्श समाज कहलाता है, और वो आदर्श समाजवादी लोकतंत्र कहलाता है। इनके अनुसार क्या है, यह गुणों को समावेश करने वाला है, इसको लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। इन दोनों के गुणों का समावेश होने के बाद इसका जो जिसका निर्माण होता है वो क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद यानी एक तरफ तो क्या है आर्थिक समानता के लिए समान अवसर, और राजनीतिक रूप से समान अधिकार प्राप्त होना एक समाज के लिए, इन दोनों का आदर्श रूप संकलित करके क्या है समाजवादी विचारधारा का निर्माण किया गया है। इसके अनुसार यह सिद्धांत जो है वो क्रांति एवं हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी व संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार हिंसा व क्रांति किसी भी चीज़ का हल या उपाय नहीं है, बल्कि विकासवादी नीति है, विकासवादी एवं क्या है आगे वृद्धि करने की जो नीति है वो इस सिद्धांत के द्वारा अपने को दृष्टित होती है। और क्या है विकासवादी वृद्धि या संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करके क्या है समाज में उन्नति करवाना क्या है सिद्धांत की परिकल्पना है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार शॉर्ट में अपने देखें तो कहने का मतलब ये होगा कि सभी को क्या है संविधान के आधार पर विकासशील रहना चाहिए, उनके लिए समान अवसर होने चाहिए आर्थिक स्थिति को पूरा करने के लिए या बराबर करने के लिए, इसके अलावा सभी को राजनीतिक रूप से समान अधिकार दिए जाने चाहिए, तभी क्या है वो उस दृष्टिकोण को परिपूर्ण करता है। तो हमने क्या है इन भागों में क्या है पूरे सिद्धांतों को देखा है, जो 5 सिद्धांत है लोकतंत्र के लिए दृष्टिकोण है या सिद्धांत है जिनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट भाग में अपने क्या है लोकतंत्र के जो अलग अलग प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या है शासन, लोकतांत्रिक शासन के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इतने तक क्या है इसको पूरा कीजिए।